राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हरियाणा की सियासत में इन दिनों अलग ही हलचल मची है। तीन निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापसी के बाद विपक्ष सरकार को घेरने और गिराने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जेजेपी तो सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने तक के लिए तैयार हो गई है। यही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने सरकार को अल्पमत में बताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के सरकार बनाने में समर्थन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। यानी दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को सरकार गिराने के लिए खुला ऑफर दे रहे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के ऑफर पर कांग्रेस ने गेंद वापस उन्हीं के पाले में डाल दी है। हुड्डा ने भी सरकार को अल्पमत में बताते हुए जल्द राज्यपाल से मिलने की बात कही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर राष्ट्रपति शासन लागू करें, नए सिरे से चुनाव करवाया जाना चाहिए। वहीं दुष्यंत चौटाला के समर्थन वाले बयान पर हुड्डा ने कहा कि जेजेपी अपने 10 विधायकों को चंडीगढ़ लेकर पहुंचे, वो अपने 30 विधायक लेकर राज्यपाल के पास चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। साथ ही हुड्डा ने सरकार को गिराने के लिए सियासी गणित भी समझाया है। विपक्ष की घेराबंदी पर सीएम नायब सैनी ने पलटवार किया है। दुष्यंत चौटाला की फ्लोर टेस्ट की मांग पर दो टूक जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया गया था, तब दुष्यंत चौटाला कहां थे, सत्र में क्यों नहीं आए। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार को कई दिक्कत नहीं है और लेकिन दुष्यंत जनता का विश्वास खो चुके हैं। साथ ही सीएम ने हुड्डा को भी करारा जवाब दिया है। अभी एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था, दुष्यंत चौटाला कहां था, वो तो सत्र में नहीं आया। और वो हैंग नहीं है, ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड करते गए, हमारे तो साथ भी जाएंगे, कोई डाउट वाउडर क्या होगा, उनको परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है, अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके यू आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन, जब गवर्नर है हमारे 30 है, हमारे कोई डिस्पेरिटी है, उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है, हमारे किसी विधायक कब आ रहे हैं, हम 30 करते हैं। देखो 30 हम 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए जिनसे विड्रॉ कर, चौथा कुंडू है, पांचवा अभी 45 है, 88 का हमसे खाली है। दो महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया, और 3 एमएलए इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट से गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे, और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए, और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। अभी एक महीने पहले विधानसभा सत्र बुलाया था, दुष्यंत चौटाला कहाँ था, वो तो सत्र में नहीं आया, और जब सत्र आएगा सत्र भी बुलाएंगे, विश्वास मत भी हासिल करेंगे। अभी एक महीने पहले विश्वास मत हासिल किया है, इसको ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए, समय आएगा तो जरूर। जन का विश्वास भूपेंद्र हुड्डा के पास भी नहीं है, कांग्रेस भी खो चुकी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर विश्वास करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करती है, और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, गठबंधन की हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, ये विकास को करने में विश्वास करती है।
तो बड़े सवाल हैं कि क्या जेजेपी के विधायक एकजुट हैं? जेजेपी के विधायकों में एकजुटता देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर खाने जो खबरें हैं वो तो कुछ अलग बयां कर रही है। कांग्रेस जेजेपी का समझौता होगा, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस और जेजेपी जिस तरीके की अभी रिएक्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से वो एक साथ होंगे, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बयानबाजी की जा रही है, या फिर सच में हकीकत में कोई सच्चाई इसके पीछे है? क्या दोनों ही पार्टी एक साथ आएंगी? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हुई। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघराज यादव हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुरेश रोड हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, फिलहाल इस पूरे सीन में गेंद आपके पाले में है। लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो अब कहां दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है? सोनम जी, देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने भी बिल्कुल सही बात बोली है कि जेजेपी अगर सही में ऐसा चाहती है तो, क्योंकि बिना जेजेपी की पहल किए नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी नहीं आ सकता, जो टेक्निकल बात है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो गवर्नर साहब शायद जो हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो 6 मंथ की जो एक प्रथा होती है, वैसे कोई रूल नहीं है टेक्निकली, मैं क्लियर करना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों को कि ये कोई रूल नहीं है कि 6 महीने से पहले अगर सेशन बुलाया गया है कि दोबारा नहीं बुलाया जाता, एक प्रथा चलती है ये। तो आज की डेट में अगर जो टेक्निकल बात है उसमें यह है कि 45 विधायकों का अगर समर्थन पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय को नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हाथों से सौंपा जाता है, तो ऐसी स्थिति में महामहिम को संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करते हुए एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा 6 महीने से पहले ही क्यों ना हो। तो फिलहाल अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें, सुरेश जी, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है तो आपके लिए बड़ी आसानी होंगी, सारी चीजें आसान रहेंगी। क्या नहीं, वो हो जाएगा इस वक्त सारी पार्टी उस पोजीशन में है कि वो आपके साथ आ पाएंगी? सोनल जी, यही बात महत्वपूर्ण है और यही बात हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बोली है कि हमें भी इस बात का एक तरह से तभी संपूर्ण विश्वास होगा जब अगर जेजेपी पहल करे। देखिए, 10 विधायक इनके हैं, 30 कांग्रेस पार्टी के हैं, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, वो आपको मीडिया को सब पता है, और 2 अन्य विधायक भी हैं, तो वो भी मेरे ख्याल इस समय में, क्योंकि चुनाव सिर पे है, पीछे किसी ने बीजेपी के पक्ष में चाहे मतदान किया हो या उनका समर्थन देकर उनकी सरकार चलाई हो, लेकिन आज की हालात में बीजेपी को कोई चिमटे से भी छूना नहीं चाहता, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लेकिन सुरेश जी कह रहे हैं कि 10 विधायक जेजेपी के पास हैं, क्या हैं 10 विधायक आपके पास? कॉन्फिडेंस है आपके भीतर इस चीज का कि 10 विधायक हैं आज आपके साथ, जैसे आपने चाबी खोलने की एक परंपरा निभाई थी और जिस तरीके से आपकी पार्टी एक बड़े ही डिसाइडिंग पोजीशन में रही थी हमने देखा पिछले चुनाव में, तो आज 10 विधायक आपके साथ हैं, आप इस कॉन्फिडेंस में हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी हमें डरने और घबराने की बात नहीं है। आपने नेहा जी मेघराज यादव जी से सवाल कर रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी, जरा एक बार उनसे ओपिनियन ले लूं मैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और साथ में ये कहूंगा बड़ा ही विचित्र माहौल बन चुका है, और ये देखिए कि जो करंट सिचुएशन है और जेजेपी की जहां तक बात आती है, जेजेपी ने चाहे आज से 4.5 साल पहले का सिचुएशन हो, जहां इस पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके अकॉर्डिंग, ताकि जनता पे बोझ ना पड़े और जितनी सपोर्ट चाहिए हमने वो प्रोवाइड की, हमने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है 4.5 साल सरकार का हिस्सा रहे, और जितने भी जो कि जेजेपी एक युवा और चौधरी देवीलाल जी के दिशा निर्देशों पर चलने वाली पार्टी है, उसने अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम किया। आज जो सिचुएशन आती है, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब सुरेश जी बोल रहे थे कि भाई जेजेपी पहल करे, तो मैं सुरेश जी को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो पहल तो जेजेपी ने ही की है। सबसे पहले हमने रिटर्न में गवर्नर साहब को रिटर्न में देके आए हैं, एप्लीकेशन भेजी है, उसके बाद कांग्रेस एक्टिव हुई है, और हम ये कहते हैं आपसे पूर्ण समर्थन जो है हमारा आरसे रहेगा, जो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी बड़े आराम से जो है ये
पहले ही कल ही इवन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि आज नैतिकता के आधार पर करंट बीजेपी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देती है, फ्लोर टेस्ट की कोई बात आती है, हमने कहा था कि हम गवर्नर के पास रिटर्न में देंगे, वो भी हम दे चुके हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं कि जितना भी सपोर्ट हमारी तरफ से आपको चाहिए वो हम पूरा देंगे, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सपोर्ट मेरा सवाल फिर से वहीं खड़ा, मेघराज यादव जी, जेजेपी के पूरे 10 के जेजेपी के 10 के 10 विधायकों का है, अभी तक हमारे साथ है। आप मानते हैं? बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल हमारे साथ है। हमारे पास जितने विधायक अभी किसी ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है, किसी की तरफ से ऐसा हमारे पास कोई रिटर्न नहीं आया है। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप जाते हो, अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसके ये जो प्रोसीजर है वो हम पूरा फॉलो करेंगे, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जेजेपी के 10 के 10 विधायक इस प्रक्रिया में साथ रहेंगे। ठीक है नेहा धवन जी, पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है तो आपके लिए मुश्किलें तो खड़ी कर देगा। सोनल जी कैलकुलेशन देखिए, कहां मुश्किलें खड़ी होंगी, क्योंकि अगर आपको बहुमत लेना है तो कांग्रेस और जेजेपी अगर मिल भी जाती है तो भी उनके पास बहुमत कहां से आता है। आज जेजेपी के 3 विधायक प्रोमिनेंटली भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो चुके हैं, नाम आप जानते हैं। रामनिवास ने पार्टी से इस्तीफा अभी नहीं दिया है, औपचारिक तौर पर ऑफिशियली वो पार्टी से इस्तीफा अभी नहीं दिया है उन्होंने। आप ज्वाइन कर लिए क्या? इसकी बात करते हैं जिस फ्लोर टेस्ट को अभी अभी रिसेंटली माननीय नायब सिंह सैनी जी ने प्रूव किया है बहुमत, और अगर उसके बाद भी इनकी इतनी इच्छा है तो मान लीजिए अगर जेजेपी के विधायक और कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए तो फिर से एक बार इन सबका जो है वो नजर नीचे हो जाएगी और मुंह झुक जाएगा। आप देखिए कि चुनाव के समय में केवल और केवल एक शगुफा छोड़ने की बात जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उनकी तरफ से आई है और कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से आई है, और चुनाव के समय में भ्रम फैलाने के लिए, कंप्लीटली भ्रम फैलाने के लिए एक नरेटिव सेट करने की बात है ताकि जनता को किसी ना किसी माध्यम से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ हटाया जा सके। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी पॉसिबल है वो सब करने के लिए तैयार है विपक्ष। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस आज कितनी भी बड़ी बातें कर ले, आज जेजेपी के साथ में खड़े होने के लिए तैयार है, जेजेपी आज कांग्रेस के साथ खड़ी होने के लिए तैयार है, ये भी बड़ी अनोखी सी बात दिखती है। और दूसरी बात, जननायक जनता पार्टी में केवल माँ और पुत्र के अलावा और कौन सा विधायक इनके साथ है, जरा अपने आप को टटोलिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता आपको छोड़कर चला गया, प्रत्येक पदाधिकारी आपको छोड़कर चला गया। रामनिवास सुरजेखेड़ा जी ने कंप्लीटली जनसमर्थन दे दिया है, जोगीराम सिहाग जी ने दे दिया है, दादा गौतम आपके साथ है नहीं, बाकी के जितने भी विधायक हैं वो आपकी नीतियों के साथ, आपके नेता के साथ, दुष्यंत चौटाला जी के साथ खड़े नहीं मिलते हैं। क्या पिता, माँ और पुत्र दो लोगों को लेकर कांग्रेस फ्लोर टेस्ट पास कर लेगी? क्या दो लोगों को लेकर, दो विधायकों को लेकर कांग्रेस 30+2 32 लोगों के साथ सरकार बना लेगी? कैसी बात करते हैं। और जिस फ्लोर टेस्ट को हम अभी अभी रिसेंटली नायब सिंह सैनी जी प्रूव कर चुके हैं बहुमत, उसको कम से कम 6 महीने तक आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये कानूनी अधिकार सबको मिला है। लेकिन फिर भी क्या माननीय राज्यपाल जी अपनी पॉलिटिकल अप्रोच जो उनकी है उसको क्या नहीं देखेंगे? जब जननायक जनता पार्टी के साथ विधायक नहीं खड़े हैं, आज ओपनली हमारे साथ खड़े हैं इंडिपेंडेंट, अगर 3 विधायक चले भी गए कांग्रेस के पास में, बाकी इंडिपेंडेंट विधायक भी भाजपा के साथ खड़े हैं। दूसरी दलील जेजेपी देती है कि अगर वो बीजेपी के समर्थन में आए तो उनकी सदस्यता भंग हो जाएगी। अगर उनकी सदस्यता भंग होती है सोनल जी, तो साफ इशारा है, अगर उनकी सदस्यता भंग होती है तो किन विधायक के बल पर आप कांग्रेस का समर्थन देंगे मेघराज जी? किन विधायकों के सिरों की काउंटिंग कराकर आप सरकार के लिए बहुमत लाएंगे? सरकार कैसे गिरेंगे? तो ये शगुफा किसके लिए, ये बिना बात के? ठीक है, मैं इसी पर जवाब मेघराज यादव जी से ले लेती हूँ। मेघराज यादव जी, अभी तो अपने नेहा जी को सुन रहा था और आपने देखा कि वो बोल रही हैं कि भाई हमारे पास खुला समर्थन दे रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन विधायकों ने जेजेपी छोड़ दी है, पहली चीज। दूसरा वो बोल रहे हैं मेघराज यादव जी, क्या ये पार्टी के साथ हैं? आपके नेता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी के साथ हमारी पार्टी के बिल्कुल साथ है वो। और अगर आप पब्लिक डोमेन में आके बातें कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला हमारा फोन नहीं उठाते हैं, सबकी अपनी अपनी रंजिशें हैं, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, तो क्या 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 आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि पार्टी से ऑफिशियली इस्तीफा नहीं दिया तो आपको साथ मिलेगा? जब आपको चुनाव के प्रचार प्रसार में साथ नहीं मिला, आपके प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में साथ नहीं मिल रहा आपके विधायकों का, तो आगे इतने बड़े डिसीजन में मिल जाएगा क्या?
बिल्कुल मिल जाएगा, उसका एक रीजन है। अगर आप ये देखिए, जेजेपी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं सारे, और आज जिस तरह से राजनीतिक फेरबदल हुआ है उसके अंदर हर एक आदमी यही चाहता है कि जो करंट सिचुएशन है, आइडली ये वो बीजेपी है जो अटल बिहारी वाजपेयी के उस पे चलती थी, जो एक वोट के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, और ये इस लेवल पे आ गए हैं कि फ्लोर टेस्ट करवाए, फिर से हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो, हम विधायकों खरीद फरोख का काम स्टार्ट करें, तोड़ मरोड़ के धमकी दे के कैसे भी सत्ता में बने रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज करंट नेहा जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आप ठीक है कृपया नेहा जी करके का सुन सुनिए लीजिए, और सुन आप लीजिए। एक्सेप्ट कीजिए। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम तैयार हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि 6 मंथ का टाइम है। जो आपने लास्ट टाइम फ्लोर टेस्ट किया था वो किस गवर्नमेंट के लिए किया था? पूरी गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है। दूसरा, जैसे कि अभी बोला, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि हम दोबारा फ्लोर टेस्ट के लिए, आप क्यों डर रहे हैं फ्लोर टेस्ट से? अगर आपके पास जेजेपी के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, तो फिर आप किस किस बात से डर रहे हैं? आप आइए और फ्लोर टेस्ट करवाइए। अभी आपने कल शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना, जहां उन्होंने ये भी, अभी तक आप मान नहीं रहे थे, खुद सीएम साहब ने एक्सेप्ट किया है कि हम फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा तो हम उस पे जाएंगे। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया हम जो है ठीक फ्लोर है टेस्ट की तो ठीक है। बात ही नहीं आती। सुरेश रोड जी, सुरेश रोड जी, इस सिचुएशन में जब इतना एक आप पॉलिटिकल क्राइसिस के तौर पर इस सिचुएशन को देख रहे हैं, उस टाइम पर कहाँ कॉन्फिडेंस में कमी है? कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में कमी है कि जेजेपी उनके साथ नहीं आएगी? क्या किस वजह से आपको लगता है कि हाँ, अगर हम आगे बढ़ भी जाएं तो फिर हमारे साथ धोखा हो सकता है? सोनम जी, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है। ये कॉन्फिडेंस में कमी हमारे इस बात को लेके है कि 10 के 10 विधायक जेजेपी के इकट्ठे हैं या नहीं है। आपने भी बेखूबी दो बार जेजेपी के साथी से यही चीज जानना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात यह है। और यही नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे नेता जी कह चुके हैं कि आप 10 के 10 विधायकों को राज्यपाल महोदय के सामने अगर आप हाजिर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं आगे बढ़ने में। हम तो चाहते हैं प्रदेश को इस जंगल राज से छुटकारा दिलाना। और एक बात जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब ने कही और कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय बान जी ने भी कही कि सरकार अल्पमत में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से ये बात अभी इस डिबेट में कही गई कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं, नंबर्स का खेल सब जानते हैं, तो 2 सदस्य 90 सदस्य विधानसभा में त्याग पत्र दे चुके हैं माननीय मनोहरलाल खट्टर जी और रंजीत चौटाला जी। 88 विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से 45 MLA की जरूरत है नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, इनके पास 43 से ऊपर नहीं है। तो सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के हिसाब से पद छोड़ देना चाहिए अगर लोकतंत्र में विश्वास मुख्यमंत्री का है। और जो 6 महीने की बात ये कहते हैं कि भी फ्लोर टेस्ट अभी हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए थे, उस समय हम चलो कामयाब नहीं हुए, और विश्वास प्रस्ताव अभी नायब सिंह सैनी की सरकार लेके आई थी। लेकिन 6 महीने की, मैंने पहले भी कहा कि एक प्रथा है, रूल नहीं है। और अगर हम संख्या बल 45 बहुमत दिखा सकते हैं महामहिम राज्यपाल को हमारे नेता प्रतिपक्ष जेजेपी के सपोर्ट के बाद और कुछ अन्य विधायक साथियों के साथ, तो फिर उसके बाद मुख्य अपने महामहिम राज्यपाल को स्पेशल सेशन बुलाने में ये 6 महीने की जो शर्त या प्रथा है ये आड़े नहीं आएगी। ये लोकतंत्र संविधान करते हुए राज्यपाल जी को तुरंत स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, और प्रदेश में नई सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में। अब गेंद जो है वो जेजेपी के पाले में है, और लगे हाथ में सोनल जी ये भी कहना चाहता हूँ, जो जेजेपी के चाचा श्री हैं INLD वाले, जिन्होंने किसानों के लिए रिजाइन देने की बात हर रोज डिबेट पे सुनते हैं, चलो देर आए दुरुस्त आए, आज वो भी लिख के दें अपने राज्यपाल महामहिम को कि वो बीजेपी से दूर है। ठीक है, वो तो आप लोगों पे आरोप लगाते नहीं थक रहे हैं, आपने उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया। ठीक है, नेहा जी, नेहा जी, 30 के 30 चट्टान की तरह हैं। अगर ये लोग सामने आते हैं जो पहले बीजेपी के घटक दल थे, ठीक है, तो हम ठीक है नहीं। ओके ओके, नेहा जी, सोना जी, देखिए आज भी अगर हम बात करें तो आपने नायब सिंह सैनी जी का खुद का बयान भी सुना, 47 विधायक आज भी हमारे पास हैं। समय आने पर जब भी हमें ये बताना होगा, प्रूव करना होगा, तो प्रॉपर उनके नाम भी आपके समक्ष आएंगे। सरकार को कोई समस्या नहीं है, हम अभी भी बहुमत में खड़े हैं, और माननीय राज्यपाल जी का मैं फिर से कहूंगी कि वो जज करेंगे इस सिचुएशन को। अगर उनको ये लगेगा
कि सरकार बहुमत में नहीं है तो ही फ्लोर टेस्ट आएगा, लेकिन ये एक प्योरली शगुफा है जो जेजेपी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा है, केवल और केवल किस लिए, केवल और केवल हरियाणा की जनता के सामने एक भ्रम पैदा करने के लिए कि शायद ये सरकार जो है बचेगी नहीं, रहेगी नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से अपने प्रति समर्थित कर पाए। दूसरी बात, आज अब रिश्तेदारी निकालने के लिए सुरेश जी भी तैयार हो गए हैं और रिश्तेदारी निकालने के लिए जजपा वाले भी तैयार हो गए हैं आपस में कांग्रेस के साथ मिलकर बैठने के लिए। अब कहां गए इनके मुद्दे और अब कहां गई सारी बातें। दूसरी बात, चाहे ये शुरू से कह नहीं, ये तो आपकी पार्टी पर भी लागू होता है ना, आपकी पार्टी पर भी लागू होता है नया जी। गठबंधन की सरकार चली तब तक कहां थे मुद्दे, जैसे ही गठबंधन की सरकार से बाहर आई दोनों आप धुर विरोधी हो गए। ये तो राजनीति है, इसको तो समझना होगा। देखिए लोगों के साथ रहा है, हमारे ये पुराने साथी भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का तो कभी भी पुराने साथी नहीं रहे। हरियाणा का इतिहास बोलता है कि चौटाला तो हमेशा से ही हुड्डा जी की बिल्कुल एंटी रहे। इस बार आपने देखा, कब देखा आपने चौटाला और हुड्डा को हाथ मिलाते हुए? कभी भी नहीं देखा होगा पॉलिटिकल सिनेरियो। राजनीति है, ये राजनीति है नेहा जी, कौन कब कहां हाथ मिला लेगा ये नहीं पता चलता है। ठीक है, जजपा खुद के विधायक उनके साथ नहीं है तो किस बेसिस पर बोल रहे हैं? क्या केवल और केवल नैना चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी के बेसिस पर ये गठबंधन की बात सोची जा रही है क्या? क्या इस सिनेरियो को, पॉलिटिकल सिनेरियो को जज नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट का कहीं पर भी मेघराज जी बोलिए। जी मैं अभी सुन रहा था नेहा जी को भी, तो नेहा जी को मैं बता देता हूँ कि अगर नेहा जी जैसे बोल रहे हैं कि क्या सिनेरियो रहा, कैसे रहा, तो मैं इनको एक थोड़ा सा याद दिलवाना चाहूंगा। पर सिनेरियो किसी से छिपा है क्या मेघराज जी? आप ये थोड़ा पीछे अगर जाएंगे तो बीजेपी की दो सीटें होती थी हरियाणा में, ठीक है, और जहां बीजेपी सत्ता में आई है उसका सबसे बड़ा रीजन जेजेपी नहीं कांग्रेस रही है। आज भी जितने भी सीटों का बंटवारा किया गया लोकसभा में, आप देखिए 10 सीट है, 10 में से 6 वो कैंडिडेट हैं जो कांग्रेसी हैं, उनके सबके दाग धुल गए हैं, कोयला साफ हो गया है, आज वो बीजेपी के जो है सांसद के लिए लड़ रहे हैं। दूसरे में मैं आता हूँ, जेजेपी ने अपना पूरा भाजपा का कैंडिडेट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेजेपी ने अपना पूरा धर्म जो हमारा गठबंधन धर्म था वो पूरा अच्छे से निभाया, पूरे 4.5 साल निभाया, जो कि हमारा जो हमारे मैनिफेस्टो थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने पूरा सहयोग दिया। आज जो सिचुएशन आगे खड़ी हुई उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन खुद बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ये आभास हो गया था कि हम, आप बीजेपी के नुकसान की बात कर रहे हैं कि जब तक आप गठबंधन में तब तक आपके पास सारे विधायक थे, लेकिन जैसे ही हम गए देखिए ये सिचुएशन बन गई कि विधायक छोड़ छोड़ कर जाने लगे। आपके आपके विधायक एकजुट है क्या? आपके विधायक एक साथ है? सारी जगहों के अगर आप इस पोलिटिकल सिनेरियो का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस पर अगर बारीकी से बात नहीं करेंगे मेघराज जी, तो कैसे पॉसिबल होगा? आपको समझना होगा इस चीज को कि आपके विधायक आपके साथ नहीं खड़े हैं, वो किसी दूसरे नेता के लिए प्रचार कर रहे हैं। हमारे विधायक हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो और आपकी नेता के लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? नैना चौटाला के लिए, नैना चौटाला के लिए प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे फिर से वही कह रहा हूँ, आज जो करंट सिचुएशन है, प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? बता दीजिए आप मुझे। आप ये देखिए जो आज करंट सिचुएशन है, उस करंट सिचुएशन के अंदर ये वो विधायक है जो जेजेपी के सिंबल पर जीत के आए थे, और उन्हें भी पता है कि आने वाला समय कैसे होगा, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। जहां तक वोटिंग का सवाल आएगा, फ्लोर टेस्ट का सवाल आएगा, एक एक विधायक जेजेपी के साथ खड़ा होगा, और पूरी उसके साथ जो है जेजेपी इस लड़ाई को अच्छे से लड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी जेजेपी या पार्टी की नहीं है, ये हरियाणा की लड़ाई है, हरियाणा वासियों की लड़ाई है, और जेजेपी एक, मैंने अभी आपको बताया कि एक जो है विजन के साथ चलती है, और उसका विजन जो हमने कमिटमेंट किए पब्लिक के साथ उसके साथ है। जो आज करंट सिनेरियो बनता है, मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि ये बीजेपी वो पार्टी है जो 2 सीटों के, 1 सीट की वजह से इलेक्शन हार गए थे लोकसभा में, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया था। आज उन सबको साइड में करते हुए ये कभी मना करते हैं फ्लोर टेस्ट की, कभी फ्लोर टेस्ट में जाने की बात करते हैं, तो करवा क्यों नहीं लेते? अगर आपके पास 47 विधायक है, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास 47 है, तो आइए और फ्लोर टेस्ट करवाइए। सुरेश रोड जी, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, समय नहीं है, बहुत छोटी सी। देखिए मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि या तो प्रदेश में राष्ट्रपति राज लागू किया जाए, नैतिकता नहीं है मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहे। दूसरी बात, हम उस चीज के लिए तैयार हैं अगर जेजेपी हमारे को साबित कर देते हैं कि इनके विधायक एकजुट हैं और ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं।
चलिए ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया नेहा जी, मेरे पास समय नहीं है, हमें सबसे पहले जाके ठीक है नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेघराज यादव हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, जो सियासी सरगर्मियां तेज हैं, उसमें साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार अल्पमत में है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या जो खेमा ये दावा कर रहा है कि सरकार अल्पमत में है, उनके पास वो विश्वास है कि अगर सरकार अल्पमत में आती है तो वो सरकार बना ले जाएंगे? फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।